दोस्तों, मेरे पास एक मेल आया था या एक कमेंट भी मेरे पास आए थे कि कैसे अपने चैनल को, टैग चैनल को ग्रोथ कराया जाए। तो यहाँ मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सिर्फ टैग चैनल नहीं, मैं किसी भी तरह के चैनल की बात कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि ये मेरा, मैंने अब से पहले भी दो चैनल बनाए हैं जिसमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है। तो कैसे ग्रोथ कराया जाए, कैसे टेक्निकल चैनल या किसी भी चैनल को ग्रोथ कराया जाए। देखिए, किसी भी चैनल की ग्रोथ के लिए, व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए आपके पास कम से कम एक वायरल वीडियो का होना बहुत ज़रूरी है। आपने ये पहले भी सुना होगा, लेकिन वो वायरल वीडियो कैसे मिलेगी? आप अच्छी कंटेंट बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, टैग, टाइटल, कीवर्ड्स, थंबनेल सब कुछ परफेक्ट करते हैं, लेकिन वीडियो तो वायरल ही नहीं होती है। ये आपके हाथ में नहीं है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। इस तरह की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी कि कैसे अपनी वीडियो को रातों रात वायरल करें या कैसे वीडियो पे व्यूज़ पाएं। तो वायरल करने की कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ये सब डिपेंड करता है यूट्यूब की एल्गोरिथम पर। इसकी कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई वीडियो आप वायरल करा सकते हैं। वीडियोस आपको बहुत मिल जाएंगे इस तरह की कि वीडियो को वायरल करने का तरीका समझें या सब चीज़ें, लेकिन वो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सब लोगों का कहना या मेरा कहना या बड़े यूट्यूबर्स का, सबका यही कहना है कि आप बेहतर कंटेंट बनाइए, वो आप करते रहें, लेकिन वीडियो वायरल नहीं हो रही है। देखिए, ये डिपेंड करता है यूट्यूब के एल्गोरिथम पे। आपको क्या करना है, आपको करना सिर्फ ये है, अपना वॉच टाइम, अपने चैनल का वॉच टाइम को आप देखिए, आप कितने मिनट की वीडियोज़ अपलोड करते हैं। मान लीजिए आप 5 मिनट की वीडियोज़ अपलोड करते हैं मोस्टली, एक एवरेज अगर देखा जाए, आपके चैनल पर 5 मिनट की वीडियोज़ हैं, तो अगर आपका वॉच टाइम आ रहा है 2.5 मिनट या 2 मिनट, तो वो 50% होगा या 50% से कम होगा। तो अगर ये आप बढ़ा देंगे, वॉच टाइम आपके चैनल पर ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि वो 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो एवरेज आपके पास है, आपके पास 4 मिनट या 4.5 मिनट का वॉच टाइम आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपकी वीडियोज़ रैंक करेंगी, दूसरी वीडियोज़ के साथ सजेस्टेड में जाने लगेंगी। तो वॉच टाइम कैसे बढ़ाया जाए, वॉच टाइम कैसे बढ़ सकता है, इसकी ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ। वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको जो कंटेंट आप बना रहे हैं उसकी जो स्टार्टिंग आप करते हैं, वो ऐसी इंप्रेसिव हो कि आपके जो व्यूवर्स हैं, जो व्यूवर्स जो लोग आपकी वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो एटलीस्ट उस वीडियो को 80% या 90% तक ज़रूर देख लें, तो वॉच टाइम बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आपका वॉच टाइम ग्रोथ करेगा, वैसे ही वैसे ही आपके चैनल पर व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, आपके पास सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा आएंगे और आपकी वीडियो भी वायरल हो सकती है। तो ये है तरीका सही अपने चैनल की ग्रोथ पाने के लिए। वॉच टाइम बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही सबसे बड़ा जो चीज़ है यूट्यूब की, वो है वॉच टाइम। क्योंकि वॉच टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारी वीडियोज़ दूसरी वीडियोज़ के साथ सजेस्टेड में जाती हैं या रैंक करती हैं। जब कोई सर्च करता है, कोई भी कीवर्ड सर्च करता है यूट्यूब पर या गूगल पर, तो वहाँ पर हमारी वीडियो तब आएगी जब उस पर वॉच टाइम ज़्यादा होगा। मतलब यूट्यूब ये देख रहा है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर जो है वो ये देख रहा है कि हम उस वीडियो को सर्च में निकालें जिसको लोग ज़्यादा देख रहे हैं या ज़्यादा टाइम तक। मान लो 5 मिनट की वीडियो को 4.5 मिनट तक मोस्टली लोग देख ही लेते हैं, तो वो वीडियो ज़्यादा ऊपर जाएगी, रैंक करेगी। इसी तरह से वो वीडियो दूसरी वीडियोज़ के साथ भी, जो उसकी मिलती जुलती वीडियोज़ हैं, उसके साथ सजेस्टेड में भी जाने लगेगी। तो ये है तरीका चैनल को ग्रोथ कराने का या व्यूज़ पाने का या सब्सक्राइबर्स पाने का। इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। तो वॉच टाइम बढ़ाने के बारे में आप सोचिए, तो कंटेंट ऐसा बनाइए, वीडियो शॉर्ट बनाइए। आप 8 मिनट 10 मिनट की वीडियोस मत बनाइए, आप सिर्फ 4 मिनट या 5 मिनट की वीडियोस बनाइए, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वॉच टाइम मिल सके। वॉच टाइम ज़्यादा होगा तो चैनल डेफिनेटली ग्रोथ कर जाएगा। तो बस यही मुझे बताना था कि सिर्फ और सिर्फ वॉच टाइम पर ध्यान दीजिए। कंटेंट अच्छा है लेकिन वॉच टाइम नहीं आ रहा है, तो फिर वो कंटेंट अच्छा नहीं है। कोशिश कीजिए कि कैसे व्यूअर्स को इंगेज किया जाए, स्टार्टिंग अच्छी कीजिए और सब कुछ सिस्टमेटिक वे में आप उनको समझाते जाइए। जो भी आप वीडियोस बना रहे हैं, जैसे भी वीडियोस बना रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से उसको करते जाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।